अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। हमारे स्टमक का पीएच लेवल जो है एसिडिक होना चाहिए और हमारे ब्लड का पीएच लेवल जो है वो अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। अगर हमारी बॉडी एसिडिक होएगी तो वहाँ पे कैंसर होने का, बैक्टीरिया ग्रो करने का ज़्यादा चांसेस होंगे। अब लेमन के बारे में ये कंसेप्ट गलत पाया जाता है कि ये एसिडिक है, ये खाने को हजम करेगा, ये एसिडिक हमें होगा। इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि एसिडिक होता है, लेकिन जब हम लेमन खाते हैं उसे डाइल्यूट करके उसे पिया जाता है, और जो कि पीना भी डाइल्यूट करके चाहिए, तो वो हमारे स्टमक में जाके रिएक्शन करके अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी को अल्कलाइन इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि लेमन कितना ज़रूरी है हमारे लिए और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, और फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड और गुर्दे की पथरी और आंतों की बीमारियाँ जो आजकल बहुत आम हुई हुई हैं, बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, इन सब बीमारियों का लेमन के साथ किस तरह से लिंक है, लेमन किस तरह से इन बीमारियों को रिवर्स करने में, इन बीमारियों से बचाने में हमारी हेल्प करता है, आज के इस वीडियो में ये सब कुछ आप लोगों को समझाऊंगी। अगर लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। लेमन को आप लोगों ने जो यूज़ करना है, लेमन को यूज़ करना भी हम लोगों ने डाइल्यूट करके है, ठीक है। आप लोगों ने 2 ग्लास पानी लेने हैं, उसमें आप लोगों ने लेमन यूज़ करना है, और वाटर जो है वो मौसम के मुताबिक होना चाहिए। अगर सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा उसमें गर्म पानी शामिल करके नॉर्मल टेम्परेचर पे उसे ले आएँ, और अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल के उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आना है, ठीक है। और उसमें हिमालयन पिंक साल्ट डालना है। पिंक साल्ट इस वजह से डालना है कि वो ब्लड प्रेशर जो है वो उसमें सोडियम की मिकदार एकदम से वो स्पाइक नहीं करवाती है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो हिमालयन पिंक साल्ट और ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इस वजह से हम लोगों ने इसे मॉर्निंग में यूज़ करना है लेमन को, और इसमें हम लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट डालना है इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनीगर 3 ड्रॉप्स डाल लेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, कि ये हमारे स्टमक के एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करवाएगा और हमारी इंसुलिन को भी कंट्रोल करेगा, और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हासिल कर सकेंगे हम लोग, ना सिर्फ लेमन से बल्कि एप्पल साइडर विनीगर भी 3 ड्रॉप्स उसमें डाल के। ये 2 ग्लास आप लोगों ने अपना मॉर्निंग में पीना है, और इसको एकदम से आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज करते हुए सिप बाय सिप करके यूज़ करना है, और इसको स्टील के स्ट्रॉ में बनाना है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो एक्सरसाइजेस भी कर रही होती हूँ, जो अपना मैं वाटर पी रही होती हूँ, मॉर्निंग ड्रिंक पी रही होती हूँ, वो मैंने स्टील के बर्तन में यूज़ करती हूँ। इसे आपने स्टील के ग्लास में, स्टील के मग में यूज़ करना है, और स्टील के स्ट्रॉ के साथ आप लोगों ने इसे पीना है, क्योंकि ये क्या है, ये अभी बॉडी के बाहर है तो ये एसिड है, और ये हमारे दांतों को ख़राब कर देगा। हमारे दांत मिनरल से बने होते हैं, उनको ये डैमेज कर देगा, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करवा देगा। इस वजह से हमने दांतों को टच नहीं इसे करने देना है, इसको हमने स्ट्रॉ के साथ मुंह में रखना है और सीधा हमारे बैली में ताकि वो चला जाए। तो आप लोगों ने स्टील का स्ट्रॉ यूज़ करना है। ये बात हो गई। अब जो फैटी लिवर के पेशेंट हैं, फैटी लिवर की वजह से जो उनसे थायराइड बन रहा है, थायराइड की एक वजह फैटी लिवर है। अब फैटी लिवर को, ये बीमारियों को रिवर्स करने में फैटी लिवर की किस तरह से हेल्प करता है, जो इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं लेमन के अंदर, वो क्या करते हैं, हिपेटोस्टिटोसिस जो उनसे होते हैं, यानी कि हिपेटो का मतलब होता है जिगर, और स्टिटोसिस क्या होते हैं, ये चर्बी, जिगर की जो चर्बी होती है उसको कम करने में ये हेल्प करते हैं जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं लेमन के अंदर। और अगर आप लोग इसके साथ लो कार्ब्स डाइट कर लेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फैटी लिवर 2 हफ्ते के अंदर आपको एक अच्छा इम्पैक्ट आपको आए कि हम लोगों का रिवर्स करना है, हम लोगों ने अपना, हमारी बॉडी में सिर्फ एक वाहिद ऑर्गन है जिसे 3 साल में दोबारा बनाया जा सकता है, न्यू जनरेट किया जा सकता है लिवर, ठीक है। अल्लाह ताला ने सारे ऑर्गन्स में से सिर्फ लीवर में ये एबिलिटी रखी है कि 3 साल में वो नया प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस वजह से जिनको फैटी लीवर की बीमारी है उन्होंने परेशान नहीं होना कि हमें पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है जो रिवर्स ही नहीं हो सकती। बिल्कुल आप लोग अपना फैटी लीवर रिवर्स कर सकते हैं, और फैटी लीवर का रिवर्स करने में साथ में अगर आप लोग लो कार्ब्स ले लेंगे, कार्ब्स का मतलब है कि शुगर, मैदा, चावल, इनको आप लोग कम कर देंगे, कट डाउन कर देंगे, साथ में गुड फैट्स ऐड कर देंगे। गुड फैट्स में जो कि मेरा फेवरेट, मैं आप लोगों को कह रही होती हूँ कम से कम 2 अंडे खाएं, जर्दी स्मेत अंडे खाएं, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, फैटी लिवर है, हमने फैट नहीं खानी, अंडा हो इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है, ये तो हमने यूज़ ही नहीं करना है। जो उसमें पाया जाता है कोलीन पाया जाता है अंडे में, वो ये फैट की, जो लिवर की फैट है इसको ख़त्म करने में हेल्प करता है।
ठीक है, आप लोग अपना 50% आप लोग अपनी फैट कम कर सकते हैं लीवर की ये वाली डाइट यूज़ करके। और इसके अलावा ये बाइल की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और अगर आप लोग लेमन वाटर साथ में इस तरह से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, साथ में इसमें एप्पल साइडर विनेगर डालकर जो मॉर्निंग में पीना है, पूरा दिन आप लोगों ने नहीं पीना, लोग इसमें पानी में लेमन और अदरक और चीज़ें वो डाल के पूरा दिन वो यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं पीना है। और उसे स्ट्रॉ के साथ पीना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसे स्ट्रॉ यूज़ करना है आप लोगों ने, और मॉर्निंग में ही पी के अल्कलाइन अपनी बॉडी को कर लेना है। अगर आप लोग सारा दिन पीते रहेंगे तो आपका स्टमक अल्कलाइन हो जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा खाने को। तो इस वजह से आप लोगों ने जो मैं जो चीज़ जिस तरह से बताती हूँ ना, आप लोग उसी तरह से फॉलो करोगे तो फिर आप वो उस चीज़ का जो मैं बता रही होती हूँ कि ये बीमारी रिवर्स होगी, ये फ़ायदा होगा, वो तभी हो पाएगा। तो आप लोगों ने इसे पूरा दिन नहीं लेके चलना है, सुबह मॉर्निंग में ही आप लोगों ने यूज़ करना है। ये फैटी लिवर में इस तरह से आप लोग बहुत हेल्पिंग हो सकता है, साथ में आप लोग को लो कार्ब डाइट कर लेंगे, गुड फैट ऐड कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए हो जाएगा फैटी लिवर के लिए। उसके बाद बात आ जाती है कोलेस्ट्रॉल की। जबकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बुरा नहीं होता है, क्या करता है वो कोलेस्ट्रॉल, क्या कर रहा होता है वो अंदर जाकर लेयर बना रहा होता है जो हार्ट की ब्लड प्रेशर की रीज़न, क्या मैंने पहले अभी आप लोगों को इस पर वीडियो भी बनाई हुई है कि उसकी रीज़न जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, और वो तो क्या कर रहा है अंदर जाके लेयर बना रहा है ताकि जो आर्टरीज हैं ब्लड उसमें से बाहर फ्लो ना कर जाए। लेकिन अगर फिर भी किसी की बॉडी में पित्ता नहीं है, क्योंकि जो बाइल है ना हमारी फैट को, हमारे जिस्म के अंदर जो फैट होती है वो बाइल उसको हजम कराता है, ठीक है, बाइल प्रोडक्ट होती है लीवर की, लीवर प्रोड्यूस करता है और वो स्टोर होती है जाके पित्ते में। अगर पित्ता नहीं है किसी का तो फिर उसमें जारी बात है कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा भी बुरा भी वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल अपना कम करना होगा, उन अपना अब कम करने के लिए लेमन किस तरह से उनकी हेल्प करेगा कि आप लोगों ने साथ में वो एप्पल साइडर विनेगर लिया होगा, साथ में आप लोग लेमन लेंगे तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करेगा। लेकिन आप वही पीना आप लोगों ने मॉर्निंग में ही है। उसके बाद वेट रिड्यूस में, अब ये गलत कंसेप्ट पाया जाता है जी वेट रिड्यूस के लिए जी लेमन जो है वो जिस्म को पतला करता है, लेमन जिस्म को पतला नहीं करता है। उसके पीछे आप लोग लॉजिक समझें कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप वेट रिड्यूस के साथ किस तरह से है लेमन का। लेमन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ठीक है, आप लोगों के जिस्म में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी जो यंग बच्चे बच्चियों की हो रही है, जिसकी कि मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है कि मैं किस तरह से, मेरा ये एम भी यही है कि मैं यंग लड़के लड़कियों को किस तरह से डायबिटीज़ से बचा सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसी वजह से अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। तो वो अब इसमें क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो सी है वो वेट रिड्यूस कर, वो वेट इंक्रीज करवाती है, जिसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो उनका वेट इंक्रीज होगा। तो ये लेमन क्या करेगा, इंसुलिन को कम करता है ये, ठीक है, बॉडी में जो इंसुलिन बढ़ी हुई होती है उसको कंट्रोल करता है। इस वजह से जो डायबिटीज़ पेशेंट है मॉर्निंग में अगर वो भी पियेंगे, ये देखें इसमें हर बीमारी कवर हो जाएगी मॉर्निंग में, ये आप लोग अपना ये लेमन ड्रिंक पियेंगे जो जिनको डायबिटीज़ है उनकी भी इंसुलिन कंट्रोल हो जाएगी, सुबह सुबह उनकी इंसुलिन को भी ये कंट्रोल करेगा। तो आप लोगों ने अगर अपना वेट रिड्यूस करना है ना तो आप लोग ये देखा करें कि हम कौन सी डाइट खाएं जो इंसुलिन को कम करेगी, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगी, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन को कंट्रोल करेगी, वो डाइट आप लोगों को पतला भी करेगी, आप लोगों का वेट भी कंट्रोल करेगी, पीसीओएस का इशू भी कंट्रोल करेगी। ये सारी चीज़ों के आपस में लिंक जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने इस वजह से मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुना करें, जहां समझ ना आया करें दोबारा सुना करें, और मुझसे क्वेश्चन जो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लिया करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दिया करूंगी, ताकि आप लोगों के माइंड में आप लोग तब तक आप लोग ये टोटकों पे ना चला करें कि ये अच्छा ये टोटका आजकल बहुत चल रहा है, ये इसकी क्या पीछे लॉजिक समझा करें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये चीज़ हो गई है। उसके बाद ये एंटी एजिंग है। अब इसके जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो एज को जो उनसे है हमारे जो स्किन की एज को बढ़ाते हैं, ये चूहों पे रिसर्च की गई थी, उस उन जिन चूहों को ये लेमन वाटर दिया गया उनका जो है एजिंग का जो प्रोसेस है 2 वीक एक्सटेंड हो गया। और अगर आप लोग अभी से ही अपना लेमन वाटर अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे तो आप लोगों की स्किन जो उनसी है वो किस तरह से यंग रहना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए। उसके बाद जो आंतों की जिनको इश्यूज हैं, ठीक है, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा लोग चैनल पे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें आंतों का इशू है और इसके लिए, और ये आंतों का इशू बहुत इजीली हम लोग इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो गए होते हैं। अब ये क्या करता है कि ये गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी जो है गुड बैक्टीरिया को, ये एक तरह से उनकी खुराक है ये विटामिन सी गुड बैक्टीरिया की। गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं हमारी आंतों में, और जो गलत खुराक खाने की वजह से एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की वजह से हमारे जो गुड बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो गए होते हैं या तो मर गए होते हैं। तो हमने उनको प्रोड्यूस करना है, उनके लिए आप लोगों ने, अब डॉक्टर्स क्या करते हैं मल्टी विटामिन्स, ये ले लो, ये वाले विटामिन्स ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो,
ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ी थोड़ी करके अपनी डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो आपके बैक्टीरिया को गुड करेंगी, जैसे प्रोबायोटिक लेंगे, साथ में आप लोग लेमन वाटर लेंगे डेली बेस पे, तो वो आपकी जो आंतों के बैक्टीरिया अच्छे हैं उनको प्रोड्यूस करेगा। दूसरे नंबर पे आंतों के जो उसकी वजह से अब आंतों के कैंसर भी हो रहे हैं, कोलन कैंसर आम हो रहा है, ये फेफड़ों कोलन कैंसर को, हमारे जो जुबान के कैंसर हैं उसके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। जुबान के लिए भी मैं बताती हूँ, मुँह के लिए किस तरह से ये ज़रूरी है। अब आप लोगों ने आंतों के लिए जौन सा है वो किस तरह से ज़रूरी है कि एक तो गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करा देगा, दूसरे नंबर पे ये कोलेजन की जौन सी प्रोडक्शन है बॉडी में बढ़ा देता है। कोलेजन क्या होती है, ये अच्छी प्रोटीन होती है जो कि हमारी बॉडी खुद से भी प्रोड्यूस करती है, हम डाइट के थ्रू भी लेते हैं। तो बॉडी जौन सा प्रोडक्शन, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विटामिन सी के साथ। विटामिन सी जो डेफिशिएंट होते हैं उनमें कोलेजन प्रोड्यूस नहीं होता है। और ये कोलेजन क्या होती है, ये हमारी आंतों के जो गिर्द होती इर्द गिर्द होती है वो लेयर बनी होती है, ठीक है, वो डैमेज होने से उनको बचाती है। जो आर्टरीज हैं हमारी दिल की शरियाने हैं, कोलेजन के लिए भी बहुत जरूरी है, उसमें वो लेयर उनके बनी होती है। जो हमारे अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनकी हड्डियां हैं उसमें कोलेजन यूज हो रहा होता है, ठीक है। और ये लेमन वाटर उनके लिए जो अर्थराइटिस, सॉरी ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्थराइटिस के पेशेंट है उनका मैं नाम लेना भूल गई थी, कि अर्थराइटिस को रिवर्स करने में, गेंढियां की बीमारी को रिवर्स करने में बहुत जरूरी है। वो उनमें क्या होता है कि उनकी बॉडी एसिडिक हुई होती है, मिनरल्स उनकी बॉडी में जाके वो उनके जॉइंट्स में डिपॉजिट हुए होते हैं, ये बॉडी को अल्कलाइन करता है। अल्कलाइन बॉडी क्या करती है, जॉइंट्स में से उन मिनरल्स को निकालती है जो जमा हुए होते हैं। तो इस वजह से हमने अपनी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए अपना लेमन वाटर हम लोगों ने यूज करना है। अब ये आंतों का आपको समझ आ गई कि क्या रिलेशन है। अब मैं मुंह का बताती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि टंग की जो हमारी जुबान का कैंसर है उसे भी ये बचाता है। तो अब इसमें भी क्या होता है, हमारे मसूड़ों में से खून आता है जिनमें उनमें विटामिन सी की कमी होती है। तो अब लेमन क्या करेगा, विटामिन सी इसमें होता है, लेमन जो है और कोलेजन भी उन लोगों में जिनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, कोलेजन की भी डेफिशिएंसी है, इसी वजह से उनके मसूड़ों में से खून आता है और उनकी जो अंदर जो ओरल हेल्थ है वो कंप्रोमाइज हो रही होती है। तो वो ये कोलेजन को हमारे माउथ के अंदर जो नसें हैं उनमें भी तो कोलेजन है, जो पतली पतली नालियां हैं उनके अंदर, इसी वजह से वो खून आता है कि वो नालियां डैमेज हो जाती हैं कोलेजन ना होने की वजह से। तो विटामिन सी का इंटेक अच्छा रखेंगे तो आपके मसूड़ों में से भी खून नहीं आएगा और अंदर मुंह का ओरल जो कैंसर बन रहे हैं आजकल वो भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ये अब आप लोगों को रिलेशनशिप इसके साथ समझ आ गया। उसके बाद अब आप लोगों ने विटामिन सी लेना कितना है, किस तरह से आप लोग उसकी किस तरह मेजर कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी, कि हमें कितना चाहिए डेली। 75 जोन से मिलीग्राम हम लोगों को डेली चाहिए और एक जो नॉर्मल साइज़ का लेमन होता है 31 मिलीग्राम उसमें पाया जाता है। और यानी कि 31 मिलीग्राम का मतलब है कि 50% आप लोगों की रिक्वायरमेंट, अगर आप लोग सुबह सुबह लेमन वाटर पी लेते हो दो ग्लास में डिल्यूट करके, तो आप लोग अपने पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की वो 50% आप लोग लेमन से ही पूरी कर लेते हैं, बाकी आपकी दूसरी खुराक के थ्रू पूरी हो जाएगी। इसी वजह से मैं कहती हूँ हम लोगों ने सप्लीमेंट्स लेने हैं, हम लोगों ने डाइट के थ्रू इन चीज़ों को पूरा करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था, प्लीज़ इसे शेयर करें। बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मैं एक ही नुस्खा उन्हें नहीं बता सकती हूँ। ये यही चीज़ें हैं ये जो मेरी सारी वीडियोस लिंक करके आप लोगों की बीमारियों को रिवर्स करने का बायस बनेंगी। आप लोग 5-6 महीने बाद यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे हैं तो आपका लेवल यहाँ पे पहुँचा हुआ होगा। प्लीज़ इसे फॉलो करें हर चीज़ को और इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।